जहां तक सांझ का सवाल है तो ये छोटा सा काम समझिए कि हो गया। क्या हुआ? मैं ये देख रहा हूं कि मेरी डस्की कितनी कितनी बेवकूफ है। आंटी ये देखो, हाथ में इतना बड़ा नाम कोई लिखता है क्या? एक सेकंड में कोई भी ढूंढ लेगा। कमाल हो। वो क्या है ना डफर, नाम ऐसे लिखो जो दुनिया अगर ना भी देखे पर सबको महसूस हो। भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कुछ जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने जा रहा हूं। आपने मारने में कसर छोड़ दी इसलिए जिंदा है ये। थोड़ा और मारिए, इतना मारिए कि इसकी चीखें भी दब जाएं। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा माया, पर आज मांगती हूं। मना मत करना, 3 दिन में तुम्हारी फांसी है। वादा करो कि तुम मर जाओ, मेरे अर्जुन और सांझ को चैन से जीने दोगी। वादा करो कि जिस पाप को मैंने जन्म दिया है उस पाप को तुम खत्म कर दोगी। मरने के बाद जब 4 कंधे ना मिले ना सहारा देने को, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। जब जिंदगी भर तुम किसी को खुशी नहीं दे पाए तो प्लीज ट्राई करना कि मरने के बाद तुम किसी के चेहरे पे खुशी दे जाओ। मर जाओ माया, मर जाओ, मर जाओ। छोड़ दो हम सबको अकेला, तुम्हारी नफरत अर्जुन और सांझ के प्यार को कभी नहीं तोड़ पाएगी। तुम्हारा पागलपन उनके प्यार के सामने हार जाएगा। इसलिए वादा करो कि तुम 3 दिन में मर जाओगे और फिर हम सबकी जिंदगी में कभी नहीं आओगी। कर रहा है तू? पागल हो गया? पागल था, अब अकल आई। यहां माया का नाम था, यही बात तो चुपती है ना। देख मैं तेरा नाम लिख रहा। अर्जुन, ये नाम नहीं, ये घाव है। और सच्चा प्यार ना घाव देता नहीं है, घाव भरता है। और तेरे लिए मेरा प्यार किसी नाम में नहीं,
मुझे तेरी आंखों में दिखता है। तो फिर देख मेरी आंखों में, तुझे लगता है कि माया अभी भी जीतेगी? देख मेरी आंखों में, क्या तुझे लगता है कि मेरी आंखों में माया का भी डर है? माया अपना वादा कभी नहीं तोड़ती, और मैं आपसे वादा करती हूं कि 3 दिन बाद माया अर्जुन शर्मा मर जाएगी। क्योंकि 3 दिन बाद जन्म लेगी माया मेहरोत्रा, वो माया मेहरोत्रा जिसका नाम सुन के डर भी डर जाए, वो माया मेहरोत्रा जिसे अपना हर दुश्मन याद रहता है, भले वो सांझ हो, अर्जुन हो या फिर मेरी अपनी माँ। अब बस आप अपने भगवान से एक दुआ करें कि मेरे हर दुश्मन पर वो दया करे, क्योंकि अब माया कोई दया नहीं दिखाने वाली। अब से लेकर मेरे मरने तक एक बात याद रखना कि इस नए जन्म की जिम्मेदार भी आप है। अब से लेकर मरने तक सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपको हर कोने में मिलूंगी, हर अंधेरे में रहूंगी, हर हवा में आपको मेरी आवाज सुनाई देगी माँ, मैं हर जगह रहूंगी और कहीं भी नहीं, याद रखना माँ। माया आपको हर जगह मिलेगी, याद रखना। छोड़ो मुझे। अब से लेकर मरने तक सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपको हर कोने में मिलूंगी, हर अंधेरे में रहूंगी, हर हवा में आपको मेरी आवाज सुनाई देगी माँ, मैं हर जगह रहूंगी और कहीं भी नहीं। देखिए मैडम, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब इसकी बातें हैं। 3 दिन में वो मरने वाली है, लेकिन 3 दिन में मैं इसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि वो मौत की भीख मांगेगी। कब उसे मौत आ जाए, आप बेफिक्र रहे। प्लीज उसे ज्यादा तकलीफ ना दीजिएगा। माया भले ही बुरी है, पर है तो मेरी बेटी ना। दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे को दर्द देना चाहेगी? मैं तो यहाँ माया के जीने की हर इच्छा खत्म करने आई थी, ताकि मरने के बाद उसे इस दुनिया से कोई वास्ता ही ना रहे। रावण की मां ने भी उसके अंत समय में यही कहा होगा।
का पहला गिफ्ट तो खास होना चाहिए। आई होप तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा हो सांझ। अपनी नई जिंदगी की तरफ ये पहला कदम तुम्हें हमेशा याद रहेगा सांझ। अपनी मौत की तरफ ये पहला कदम तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। किसकी? सांझ। 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 ये कांच कहां से? मेहंदी में कांच कहाँ से आया? ये मेहंदी हमारी नहीं है। तो किसकी है? हम तो कौन में मेहंदी लाए थे, आप देख लीजिए। हमने वो मेहंदी देखी तो हमें लगा शगुन की है, लड़के वालों की तरफ से। लड़के वालों की तरफ से? ओए! भाई अब मत जाओ। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन ये चोट साज, ये चोट कैसे लगी तुझे? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तू? कोई डॉक्टर बुलाओ। माँ डॉक्टर बुलाओ। आंटी शुभ, तू ठीक है ना? देख कितना खून बह रहा है तुझे।
क्या डॉक्टर आ रहा है? भाई डॉक्टर रास्ते में है। I'm sorry, सांझ। मुझे माफ कर दे। तू ये क्या कह रहा है डफर? एक बार फिर से मैंने तेरी लाइफ पर बात कर दी। एक बार फिर मैंने अपना वादा तोड़ दिया। एक बार फिर तुझे दर्द दे दिया। ये सब कुछ तूने थोड़ी ना किया है। कुछ भी बोल रहा है तू। जानता हूं, जानता हूं ये काम किसने किया। मैं भी आया। जब तक मैं लौटू ना, इस कमरे से कोई हिलेगा नहीं। तस्की को अकेले कोई नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। बट अर्जुन, तू कहाँ जा रहा है? उस गलती के पास, जिसने ये गलती की है। माया के पास जा रहा है ना? प्लीज प्लीज माया के पास मत जा, वो तुझे कुछ कर देगी। अर्जुन अर्जुन, माया को अकेला छोड़ दो। अर्जुन प्लीज, वो कुछ भी कर देगी। अर्जुन तो फिर देखते हैं कि माया क्या कर सकती है। अर्जुन, मुझे पता है तुम मेरे पास आओगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.